आप दिल्ली को कहा था कि आप जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या फिर अक्टूबर के सेकंड वीक में, जिससे कि स्टूडेंट्स का जो 1 ईयर है वो बेकार ना हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल चुका है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से अभी तक कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, ना ही तो असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन के स्टूडेंट्स के लिए और ना ही ओपन बुक एग्जामिनेशन फर्स्ट फेस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने हाई कोर्ट को एक नोटिस के थ्रू आंसर देते हुए बोला है कि वो अपना जो रिजल्ट है, आई मीन असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन और ओपन बुक एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के एंड से पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, कांट डिक्लेयर यूजी रिजल्ट्स बिफोर एंड ऑफ द अक्टूबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी टू हाई कोर्ट। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इस बेस पे भी ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टूडेंट्स का जो 1 ईयर है वो वेस्ट हो चुका है, राइट? क्योंकि एक तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कह रही है कि दिसंबर में वो थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगी और अभी तक उन्होंने सेकेंड फेज आई मीन सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो किस बेस पे स्टूडेंट अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करे? तो देखा जाए तो अल्टीमेटली लॉस जो है वो स्टूडेंट्स का ही है। तो मेरी तरफ से मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि ये लोग आपका जो एग्जामिनेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स को कितना टाइम मिल रहा है कितना टाइम नहीं मिल रहा है। ये बस अपना तर्क देने में बिजी है कि बच्चों ने आधे आंसर पोर्टल पे सबमिट किए, आधे ईमेल पे सबमिट किए, तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन में मोस्टली स्टूडेंट्स ने, या फिर कह सकते हैं 100 में से 99 स्टूडेंट्स ने पोर्टल पे ही अपने असाइनमेंट्स को सबमिट किया था। तो असाइनमेंट बेस्ड इवेल्युएशन का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया है? तो ये सारी चीजें आगे भी चलती रहेंगी, आप लोग रिजल्ट का वेट कीजिए, बट साथ के साथ अपनी जो स्टडी है थर्ड सेमेस्टर की वो भी कंटिन्यू कीजिए, या फिर अगर आप में से कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो लोग अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं।